अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादाजी आप, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम नाहर के साथ पहली बार बाहर जा रही हो ना, तो ये कहने के लिए कि घर की इज्जत और रुतबे का ध्यान रखना। जी। ये परफ्यूम ये कौन लाया? मैं तो इसे नहीं लगाती। फिर ये किसका है? For you. क्या नारजी मेरे लिए ये लेकर आए हैं? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, क्या पता नारजी मुझे सरप्राइज देना चाहते हो, या फिर क्या पता अपनी दीदी के लिए लेकर आए हो। अब उनके आने के बाद ही खोलना चाहिए। ये लड़की भी ना बड़ी चालाक निकली, इसीलिए मैंने दूसरा हथियार भी तैयार रखा था। इसको संभाल कर रख देती हूँ। ये कैसे हो गया? वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये खुजली क्यों हो रही है? ये क्या हो गया? ये भी जल क्यों हो रही है? माँ जी, रूही क्या हो, तुम अपना मुंह क्यों छुपा रही हो? रूही, रूही, हे भगवान जी, क्या कर लिया तुमने? रूही, पता नहीं मम्मी जी, अचानक से बहुत जलन हो रही है। शायद किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया? ये जल्दी से दूध से अपना मुंह धो लो। पता नहीं क्या कर लिया तुमने अपने चेहरे पर। जल्दी जाओ। देखा माजी आपने, आज नहार के साथ इसे बाहर जाना, इसने अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली। अरे इसे क्या लगा लिया तुमने अपने चेहरे पे? दादी जी, मैं तो बस वही क्रीम लगाई थी जो मैंने ड्रॉ में रखी हुई थी। पता नहीं क्या हो गया, इतनी जलन क्यों हो रही है? रूही, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि सस्ती क्रीम लगाना बंद करो।
अरे महंगी क्रीम ऑर्डर क्यों नहीं करती तुम? हम गोयनकास है। अरे अवनी का तुम ब्रेसलेट पहन सकती हो, कड़ा पहन सकती हो, लेकिन नहीं, उसकी क्रीम नहीं लगा सकती ना तुम। मम्मी जी, मैं हमेशा वही क्रीम लगाती हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया। अब सोचो नहार आने वाला है, उसे हम लोग क्या जवाब देंगे रूही? So, thank you so much. और जल्दी मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें उस घटिया मैनेजर की बात सुनने की जरूरत क्या थी? हमें तुम नहार जीजू को कॉल कर सकते थे या अंकल जी को कॉल कर लेते, तुम्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते ना। बिजनेस संभालोगे तो होटल में खाना खाकर ढंग से बिल नहीं चुका सकते हो। बिजनेस संभालोगे क्या हुआ, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, पापा को कॉल करता तो खामखा मुझे डांट देते, और भैया तो हमेशा बिजी ही रहते हैं, सो आई थॉट कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अभी भी अपने पापा से डांट खाते हो? मतलब छोटे बच्चे हो क्या? हाँ, उनकी नजरों में तो हूँ, और वो मुझे एक फिक्स अमाउंट भी देते हैं खर्च करने के लिए। You mean pocket money? मतलब आज तक मैंने मामाज बॉय तो सुना था, पर पापाज बॉय पहली बार देख रही हूँ। अभी आप चुपचाप कमरे में जाइए और आराम करो, और हाँ, नो मस्ती, ओके? ओके मामू। गुड गर्ल, गो। मेरा पार्सल? ओ हाँ, दादी ने शायद कमरे में रख दिया होगा। ये खुशबू तो मेरी अग्नि। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, जलन तो थोड़ी कम हो गई है, पर चेहरा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। नार्जी को मना करना होगा। दरवाजा तो बंद है, खुशबू कहां से आ रही है? ये खुशबू तो इधर से ही आ रही है। यहां ताला लगा है तो फिर खुशबू कहां से आ रही है? खुशबू इस परफ्यूम की है जो मैंने उसको गिफ्ट देने के लिए मंगवाया था, लेकिन ये ओपन कैसे है? इसका मतलब रूही ने इसको लगाया है। रूही! ये परफ्यूम तुमने लगाया रूही? जी ना जी, वो गलती से मना किया था, मैं चीजों को मत छूना। किसने बोला था पार्सल खोलने के लिए? क्या मेरी आंख?
नाहर जी इतने गुस्से में क्यों थे? बड़ी आई थी नाहर की जिंदगी में खुशबू बिखेरने, अपना और नाहर का रिश्ता खुशियों से भरने के लिए। अब जिंदगी भर खुशबू से परहेज रहेगी तुम्हें। अब तुम्हारी जिंदगी में ना खुशियां रहेगी ना खुशबू, तुम्हारी जिंदगी कांटों से भर दूंगी। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।